नमस्कार दोस्तों, पे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया में कोरोना के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। हालांकि भारत में जारी 21 दिनों के लॉकडाउन का असर भी इस पर पड़ता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में भारत में संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में आई तेजी की सबसे बड़ी वजह तबलीगी जमात को बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी शनिवार को इस बात की पुष्टि की और संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण के 30% मामले जमात के मरकज से लौटे लोगों की वजह से बढ़े। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 2900 से अधिक पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से करीब 1023 केस तबलीगी जमात से जुड़े हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के एक दिन में सबसे अधिक 550 से अधिक नए मामले शनिवार को सामने आए। इनमें से सबसे अधिक करीब 145 केस महाराष्ट्र में सामने आए और शनिवार को करीब 6 लोगों ने महाराष्ट्र में अपना दम तोड़ दिया। शनिवार के आंकड़ों के साथ देश में संक्रमितों की संख्या करीब 3678 हो गई। यह आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। देश भर में अब तक करीब 90 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और वहीं करीब 213 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के 17 राज्यों से करीब 1023 मामले सामने आए और इस जमात के वर्कर्स और उनके संपर्क में आए करीब 22,000 लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने इस वायरस के बारे में कुछ खास बताते हुए कहा कि इस वायरस का सबसे अधिक संक्रमण युवाओं में देखा जा रहा है। अब तक मिले संक्रमितों में यह पाया गया है कि करीब 42% संक्रमितों की उम्र 21 से 40 वर्ष की है, जबकि 33% मरीजों की उम्र 41 से 60 वर्ष की है। 60 वर्ष से अधिक उम्र में करीब यह 17% पाया जा रहा है और 20 वर्ष तक के लोगों में यह सिर्फ 9% है। अभी जिस प्रकार से संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या टेस्टिंग की है। ICMR के अधिकारी ने बताया कि अब सरकार का पूरा फोकस टेस्टिंग संख्या बढ़ाने पर है। अभी हमारे पास एक सप्ताह में 70,000 टेस्टिंग की क्षमता है और यह क्षमता धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। अग्रवाल ने कहा कि हम तबलीगी जमात से जुड़े सभी लोगों की तलाश कर रहे हैं। हमारी लड़ाई जारी है। अगर हम एक भी व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाते हैं तो हमारे साथ साथ पूरे देश की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब अगर हम बाकी देशों की बात करें तो अमेरिका में करीब 3,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और न्यूयॉर्क में पिछले 24 घंटे में करीब 630 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अमेरिका में अब तक करीब 8,452 लोगों की जाने गई। कोरोना वायरस से अभी तक सबसे ज्यादा मौतें इटली में हुई है। इटली में करीब 15,362 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1,24,632 लोग संक्रमित हैं। यहाँ हम आपको कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित टॉप 10 देशों की लिस्ट दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, बाकी देशों के मुकाबले अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ हालात ज्यादा खराब नहीं है। हम सब मिलकर इसको मात अवश्य देंगे। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि देश की इस लड़ाई में अपना अपना पूरा सहयोग दें, लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित।